को एक पर्सन मिला, विलियम निकर्सन। जब इन्होंने डिस्कस करा पूरे प्लान को, आइडिया को, उसको हर चीज बताई, 6 साल का डेटा दिया, उसके बाद फाइनली ये एक ऐसे ब्लेड के साथ आए जो कि बहुत पतली थी और चीपर थी। फाइनली इन्होंने मार्केट के अंदर अपने रेजर को उस समय $5 का लॉन्च करा और $1 में ये 20 पैकेट प्रोवाइड करते थे ब्लेड्स के, मतलब 20 ब्लेड्स की वो आई थी लाइन $1 के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग पे कर देंगे, अदर प्रोसेस में फोकस कर देंगे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे। इट्स सिंपली लाइक आपने ऑडी कार को बाय कर लिया, अब उसमें आप पेट्रोल नहीं डलवा रहे, जब तक पेट्रोल नहीं डलेगा वो कार भागेगी नहीं। 1900 में इनका ब्लेड ऐसा दिखता था, 1920 में वापस इन्होंने पेटेंट फाइल करा और अब ऐसा ब्लेड लेकर आए, फिर 1957 में वापस इन्होंने इनोवेट करा, 1965 में वापस इन्होंने चेंज करा, 1998 में सबसे बड़ा मार्केट के अंदर चेंज लेकर आए जिससे इनको जे कम मिला, मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ मिली। Mark 3 उसके अंदर क्या था, उसके अंदर $750 million इन्वेस्ट करे थे, ऐसी ब्रांड बना डाली जो 150 सालों से दुनिया भर में चल रही है और आज भी ये फर्म कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। देखिए नोकिया, कोडैक, ऐसी कई कंपनीज मार्केट के अंदर आई, ब्लैकबेरी, जो मार्केट के अंदर लंबे समय तक चल नहीं पाई, एक टाइम पे डोमिनेट करा उसके बाद वॉश आउट हो गया, बट जिलेट आज भी मार्केट के अंदर डोमिनेट कर रहा है रेजर की मदद से। जिलेट दुनिया की सबसे बड़ी रेजर कंपनी होने के बाद भी आज ये अपने प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। अगर आप इनके पीछे देखोगे ना तो इनके मैन्युफैक्चरर कोई और है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भापरी सिंह सोनी और आज मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ रेजर ब्रांड की, जिलेट की, कि कैसे इन्होंने एक ऐसी ब्रांड बना डाली जो 150 सालों से दुनिया भर में चल रही है और आज भी ये फर्म कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। देखिए नोकिया, कोडैक, ऐसी कई कंपनीज मार्केट के अंदर आई, ब्लैकबेरी, जो मार्केट के अंदर लंबे समय तक चल नहीं पाई, एक टाइम पे डोमिनेट करा उसके बाद वॉश आउट हो गया, बट जिलेट आज भी मार्केट के अंदर डोमिनेट कर रहा है रेजर की मदद से। कैसे इस कंपनी ने इस ₹300 के रेजर से $60 बिलियन की वैल्यूएशन को अचीव करा, आज मैं आपको पूरी केस स्टडी बताऊंगा इनकी स्टोरी से लेके, कि कैसे कंपनी की शुरुआत हुई थी, कैसे ये पेटेंट्स को यूज करते हैं, कैसे स्ट्रेटेजीज को बनाते हैं, फ्रेमवर्क्स को बनाते हैं, अपने KPI KRS को बनाते हैं और आज इतने बड़े जायंट बन गए इंडस्ट्री के अंदर। किंग चैम जिलेट ये एक सेल्समैन थे कंपनी के अंदर, जहां पे इनका काम था घर घर जाना, ट्रैवलिंग करना और सेल्स करना। अब एक दिन ये अपने एम्प्लॉयर के पास बैठे थे, उनसे इन्होंने कहा कि सर मुझे अमीर बनना है, पैसे कमाने, तो मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ। तब इनके एम्प्लॉयर ने कहा कि देख पैसे कमाने के लिए नौकरी कर, बट अगर तेरे को एम्पायर बनाना है, फॉर्च्यून बनाना है ना, तो तेरे को कोई ऐसा प्रोडक्ट इन्वेंट करना पड़ेगा जो कस्टमर पहली चीज डेली यूज करे और बार बार यूज करे और तेरे को बार बार उसका पैसा देके जाए। अगर किसी भी प्रोडक्ट से तेरे को स्टेडी इनकम नहीं आ रही है तो तू फॉर्च्यून नहीं बना सकता है। वन टाइम इनकम से दुनिया में कोई अमीर नहीं बना है। उसी लेसन को पकड़ के इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी। 1895 में इन्होंने देखा मॉर्निंग में कि जो ब्लेड है ना, पहली चीज तो बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस ये इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इससे कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्लीन शेव नहीं मिलती है। उसी के चलते इन्होंने रिसर्च को चालू करा कि कैसे मैं इसको चीप बना सकता हूँ, अफोर्डेबल बना सकता हूँ और बेटर बना सकता हूँ। वहीं से इस कंपनी की शुरुआत हुई। करीबन इनको 6 साल लग गए उस रिसर्च में। फाइनली इनको एक पर्सन मिला, विलियम निकर्सन। जब इन्होंने डिस्कस करा पूरे प्लान को, आइडिया को, उसको हर चीज बताई, 6 साल का डेटा दिया, उसके बाद फाइनली ये एक ऐसे ब्लेड के साथ आए जो कि बहुत पतली थी और चीपर थी। फाइनली इन्होंने मार्केट के अंदर अपने रेजर को उस समय $5 का लॉन्च करा और $1 में ये 20 पैकेट प्रोवाइड करते थे ब्लेड्स के, मतलब 20 ब्लेड्स की वो आई थी लाइन $1 के अंदर। अब इन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से समझी थी कि अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है ना तो मार्केट में बिकेगा, कस्टमर सेगमेंट बड़ा होना चाहिए। अब देखिए बिजनेस में आप मिस्टेक क्या करते हो, आप लोग है ना सेल्स टीम हो गया, मार्केटिंग टीम हो गया, उन्हें प्रेशर डालते हो कि भैया पैसा लेकर आओ। बायजूस क्यों डूबा, बायजूस का प्रोडक्ट भले ही अच्छा था बट इतने बड़े मास रीच के लिए नहीं था, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, तो वहाँ पर जब प्रेशर पड़ा तो लोगों ने अनएथिकल सेलिंग करना चालू कर दिया, उसके चक्कर में बायजूस का नाम खराब हुआ और आज कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। इसीलिए सबसे पहले अपने प्रोसेस को ठीक करो, प्रोडक्ट को ठीक करो, कस्टमर को समझो, ये देखो
कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, उसके बाद सेल्स टीम मार्केटिंग टीम पर प्रेशर डालना चालू करो। अब मैं इस कंपनी के कुछ आपको मार्केटिंग लेसंस प्लस कैसे इन्होंने एक्सपेंशन करा, क्या स्ट्रेटेजीज को यूज करा, वो सब बताने वाला हूँ। सबसे पहली स्ट्रेटेजी वो है आउटसोर्सिंग करना। देखिए एप्पल का ये आईफोन देखिए, आज भी एप्पल है ना जो 2 लाख के फोन होते हैं ना खुद नहीं बना रहा है। एप्पल के पास के पैसों की कमी है नहीं, सारे रिसोर्सेज हैं, बेस्ट टीम है, फिर भी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है जो उसकी स्पेशलिटी है वो डिज़ाइन में है, पेटेंट्स में है, उसके ट्रेडमार्क में है, उसके सॉफ्टवेयर में है। मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में कोई भी कर लेगा, इसीलिए आज भी एप्पल अपने हाथ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं डालता है। वो सस्ती कंट्रीज में जाता है जहाँ पे लेबर सस्ती हो, वहाँ पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करता है। जिलेट ने भी ऐसे ही करा, उन्होंने कभी मैन्युफैक्चरिंग को अपने हाथ में नहीं लिया। वो ध्यान रखते हैं मार्केटिंग का और साथ साथ ध्यान रखते हैं डिज़ाइंस का। अगर आप इंडियन स्टार्टअप्स की बात करें तो मामाअर्थ और बोट हिंदुस्तान के सबसे बड़े फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, इन्होंने भी आज अपना प्रोडक्शन यूनिट नहीं डाला है, इनका प्रोडक्शन कोई और करता है। मामाअर्थ बोट अपने डिजाइन के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर सारा वर्क स्पेंड करते हैं। आज भी मामाअर्थ के फाउंडर एंड बोट के फाउंडर्स अपने प्रोडक्ट के डिजाइन पे और मार्केटिंग पे टाइम स्पेंड करते हैं, ना कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। वैल्यू लाइज इन द ब्रांडिंग एंड इनोवेशन, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। यह एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कोई भी कर सकता है। देखिए अगर आप बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पे कर देंगे, अदर प्रोसेस में फोकस कर देंगे, मार्केटिंग ब्रांडिंग ग्रोथ में फोकस नहीं करेंगे, इट्स सिंपली लाइक आपने ऑडी कार को बाय कर लिया, अब उसमें आप पेट्रोल नहीं डलवा रहे हो। जब तक पेट्रोल नहीं डलेगा वो कार भागेगी नहीं। तो मार्केटिंग आपकी कंपनी का पेट्रोल है अगर आपको कंपनी को तेज लेके जाना है। अब मैं आपको कुछ रीजन बताता हूं क्यों जिलेट जैसी ब्रांड्स अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आउटसोर्स करती है और कैसे करती हैं। सबसे पहले डिक्रीज लेबर कॉस्ट, फिर रिड्यूस यूटिलिटी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग करना, रनिंग करना, अब ट्रेनिंग देना, जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, क्वालिटी का ध्यान रखना, आपको कोई लाइसेंसेस नहीं लेना, फैक्ट्री सेटअप नहीं करनी, फैक्ट्री के लाइसेंसेस रखने और इकोनॉमी ऑफ सेल्स पे आप वर्क कर सकते हो। तो इसी के चलते ये लोग मैन्युफैक्चरिंग को हमेशा आउटसोर्स रखते हैं, जिससे ये सारी कॉस्ट, ये सारा फोकस इनको ना रखना पड़े। अब ये करते कैसे हैं, देखिए इन्होंने ना मैट्रिक्स बनाए हुए होते हैं। अगर आज ये आउटसोर्स करें ना मैन्युफैक्चरिंग को, तो वहाँ पर जैसे सपोज 10,000 ब्लेड्स का इन्होंने ऑर्डर दिया, छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आपको इजिली नंबर में समझ में आए, उनमें से कहेंगे कि 10,000 में से हमारा बंदा रैंडमली 10 ब्लेड्स या रेजर को ऑडिट करेगा। उन ऑडिट में सैंपल ऑडिट्स में चेक करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भैया अगर जो हमारी ब्लेड है, जो रेजर है ना, इतनी बार शेव कर पा रहे नहीं कर पा रहा सैंपल के अंदर, अगर कोई भी सैंपल फेल होता है तो पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाता है। उसी के चक्कर में जो मैन्युफैक्चर होता है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि अगर हम इस ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो हमें एक तो क्वालिटी का ध्यान रखना है, परफेक्शन का ध्यान रखना है, प्लस ये सारा एग्रीमेंट्स कराते हैं, NDA, NCA, नॉन कंपनी नॉन सॉलिटेशन, सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स, जिससे अगर कोई दूसरी कंपनी इनके पास आती है कि सेम ब्लेड बना के दो, सेम चीज़ बना के दो, तो ये नहीं बना के देते। क्योंकि देखिए इस ब्रांड के पास, जिलेट के पास सारे पेटेंट्स हैं, डिज़ाइन प्रोटेक्शन है, ट्रेडमार्क्स हैं, सारे कॉपीराइट्स हैं, तो कंपटीशन तक वो चीज़ पास ऑन हो ही नहीं पाती है। कॉम्पिटिशन को पता है एंटी बैरियर आ गया IPR की मदद से, जैसे कोका कोला है। अब कैंपा कोला इंडिया में जब विदेशी कंपनीज को बैन कर दिया गया था ना, उस समय बहुत चलती थी, मार्केट की बूम पे थी, बट जब कोका कोला ने वापस मार्केट के अंदर एंट्री ली 1990 के बाद, तब उन्होंने वापस मार्केट को कैप्चर कर लिया। क्यों? कोका कोला के पास उनका फॉर्मूला था, उनका ब्रांड नेम था, लोगों ने फटाफट रिकॉल करा और कोका कोला मार्केट का लीडर बन गया। आपको पता है कोका कोला को जो 40 रुपये का कैन आता है ना, उसको बनाने की कॉस्टिंग 1 रुपये, 39 रुपीज, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इन सब में पैसा जाता है कंपनी का। सो मैन्युफैक्चरिंग इस बिजनेस का एक बहुत छोटा पार्ट होता है, मार्केटिंग ब्रांडिंग सबसे बड़ा पार्ट होता है। और इनके फाउंडर जो किंग थे, उन्होंने कहा था 1912 के अंदर, एक स्टेटमेंट दी थी अपने बोर्ड रूम के अंदर, द होल सक्सेस ऑफ दिस बिजनेस डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजिंग। सो उनका फॉर्मूला शुरुआत से क्लियर था, नेवर फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, फोकस ऑन मार्केटिंग ब्रांडिंग इनोवेशन। इस ब्रांड का मार्केट के अंदर इतने लंबे समय तक टिके रहने का सबसे बड़ा कारण था इनोवेशन। देखिए नोकिया, कोडेक, ब्लैकबेरी बाहर क्यों हुए, इनोवेट नहीं कर पाए। कोडेक अपना कैमरा चेंज नहीं कर पाया, नोकिया एरर नहीं ला पाया, और ब्लैकबेरी जो था वो कीपैड में रह गया, टच स्क्रीन में नहीं आ पाया। बट इस ब्रांड ने कंटिन्यूसली इनोवेशन करा। जब शुरुआत में इन्होंने मार्केट को स्टडी करा था ना, तब मार्केट के अंदर स्ट्रेट रेजर आते थे, और आपको पता है मार्केट में सबसे पहला पेटेंट रेजर का 1880 के अराउंड फाइल करा गया था, मतलब 8 से
150 साल से भी ज़्यादा पुरानी रेजर की पेटेंट फाइलिंग है। तो वहाँ पे स्ट्रेट रेजर आते थे मार्केट के अंदर, उससे होता क्या था, कटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। अब जो नॉर्मली डेली शेव कर रहा है ना, वो बार्बर के पास जाता था, क्योंकि उसको लगता था यार मेरा हाथ अगर अच्छे से नहीं चला, कट लग गया तो चेहरा ख़राब हो जाएगा। उसी के चक्कर में इन्होंने मार्केट को समझा कि कैसे एक नॉर्मल इंसान भी कुछ शेविंग कर पाए। उसी के चलते इन्होंने ब्लेड को थिन करते गए, सिंपल करते गए, रेजर को डे बाय डे इंप्रूव करते गए। देखिए 1900 में इनका ब्लेड ऐसा दिखता था, 1920 में वापस इन्होंने पेटेंट फाइल करा और अब ऐसा ब्लेड लेकर आए, फिर 1957 में वापस इन्होंने इनोवेट करा, 1965 में वापस इन्होंने चेंज करा, 1998 में सबसे बड़ा मार्केट के अंदर चेंज लेकर आए, जिससे इनको जेकम मिला, मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ मिली, मार्क 3। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर $750 मिलियन इन्वेस्ट करे थे, 3 लेयर ब्लेड सिस्टम था। उसके अंदर सबसे बड़ा इनका इनोवेशन क्या था कि मिनिमम कॉस्ट में आपके शेव बहुत इजीली हो रही है और बहुत कम कट्स के साथ हो रही है। तो वो इनका काफ़ी अच्छा मूव था जो मार्केट से इनको काफ़ी अच्छी आरओआई देखेगा। फिर 2001 के अंदर इन्होंने देखा कि हमें मार्केट में और अपना एक्सपेंशन करना चाहिए, क्योंकि मेल्स हमें यूज़ कर रहे हैं, फीमेल्स यूज़ नहीं कर रही हैं। तो 2001 में इन्होंने वीनस रेजर ब्लेड लॉन्च करा वुमेन के लिए। फिर आते आते 2006 में इन्होंने वापस चेंजेस करे, फिर 2014 में वापस ये नया रेजर लेकर आए, 2015 में वापस नया इन्वेंशन करा, 17, 18, 19, और फाइनली अब 2023 का आप रेजर देखो जेलेट ब्रांड का कि कैसे इन्होंने इनोवेशन करा। और शायद आपको पता ना हो, जेलेट मार्क 3 के पास ऑलमोस्ट इस समय 35 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं। सोचिए एक छोटी सी इनोवेशन जो इन्होंने बनाई है ना, उसके लिए कितने पेटेंट्स इन्होंने फाइल करें, जिससे रेजर से लेके उसके मूवमेंट से लेके कुछ भी कॉपी ना हो पाए। कंपटीशन के लिए एंटी बैरियर जो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी होती है ना, जो काफ़ी सारे कोचेस आप देखते हो वीडियोस में आजकल सोशल मीडिया पे कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बनाओ, वो एक्चुअली में यही होती है कि आप कुछ ऐसा कर जाओ कॉम्पिटिशन कॉपी ना कर पाए। कुछ आपने इनोवेशन करा, उसका IPR ले लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉम्पिटिशन कॉपी नहीं कर पाया, अब मार्केट में आप अकेले रह गए उसको एंजॉय करने के लिए, जहाँ से अब 20 साल 40 साल जो भी आपके IPR का आपको टर्म होता है वहां तक के राइट मिलते और उनसे आप पैसा बनाते हो। जिलेट का सबसे बड़ा मकसद है कि शेविंग एक्सपीरियंस को चीप बनाया जाए, सिंपलर बनाया जाए, सेफर बनाया जाए और टाइम सेविंग बनाया जाए, जिससे आम आदमी इजिली शेविंग कर पाए। अब देखिए कंपनी जैसे जैसे ग्रो होने लगी, वो पहले शुरुआत में घर पर डिलीवरी करते थे रेजर और ब्लेड की। उनको समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं होगा तो हम मार्केट के अंदर तेजी से ग्रो नहीं कर सकते, तो शुरुआत में उन्होंने डीलर नेटवर्क से शुरुआत करी, आसपास के नेटवर्क बनाए, फिर फाइनली तेज एक्सपेंशन के लिए ये रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ गए, जहाँ से इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली। अब जिलेट ने देखा मार्केट के अंदर शुरुआत में लोग रेजर नहीं खरीदते थे, वही ट्रेंड था कि बार्बर के पास जाना है, तो कैसे घुसे कंज्यूमर के घर घर में, तो इन्होंने लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करा, जो आजकल के स्टार्टअप्स करते हैं कि पहले अपने रेजर्स को लॉस के अंदर बेचो, मतलब अगर 10 रुपये का बन रहा है ना तो उसको 2 रुपये में बेचो, बट बाद में जब कंज्यूमर ब्लेड्स खरीदना है तो उसको ब्लेड्स एक्सपेंसिव बेच दो, वहाँ से पैसा रिकवर कर लो। ये स्ट्रैटेजी कोडेक ने फॉलो करी थी, वो कैमरे को सस्ता रखते थे, रील्स को महंगा रखते थे, जिससे जब बाद में कस्टमर बार बार रील्स खरीदना है उससे पैसा चार्ज करो, पैसा बनाते रहो। तो जिलेट का शुरुआत से फोकस यही था कि रेजर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बाद में बंदा ब्लेड्स लेने आएगा उस समय प्रीमियम कमा जाएंगे। और इन्होंने मार्केट के अंदर, अब देखिए एक चीज़ को समझिए, अगर ये रेजर ज़्यादा बांट रहे हैं, एक कंपटीशन आया, बोला मैं रेजर ही नहीं बनाऊंगा, मैं ब्लेड से बनाता हूँ, तुम रेजर फ्री में बांट दो सस्ते में, मैं ब्लेड सस्ते में बांट के पैसा रिकवर कर जाऊंगा, तो वहाँ पे जेलेट का मार्केट शेयर खत्म हो जाता। कंपनी जैसे आज के स्टार्टअप्स के साथ होता है, वो मार्केट शेयर बना देती है, बट एंड में जब प्रीमियम कलेक्ट करने की बात आती है तो कंपटीशन एंट्री कर जाता है। तो जेलेट ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, उन्होंने पेटेंट्स बहुत ज़्यादा फाइल करे कि भैया अगर रेजर मैं बांट रहा हूँ ना, तो मेरे जैसा जो ब्लेड है, जो मेरे रेजर में फिट होगा, वो कोई नहीं बना सकता। वापस समझिए, जिलेट अगर रेजर बांट देता 80% डिस्काउंट पे और कंपटीशन आता कि लो इसने सस्ते में रेजर बांट दिए, मैं सस्ते में ब्लेड बांट देता हूँ, मतलब बहुत कम प्रॉफिट्स के ऊपर, उससे क्या होता, सारा लॉस तो इन्होंने बेयर करा, प्रॉफिट कोई और कमा जाता। उसी के चलते इन्होंने ध्यान रखा कि हमें पेटेंट्स को फाइल करना है, कि जो हमारी ब्लेड्स है ना, हम ही बना पाए, दूसरा बंदा ना बना पाए। और जैसे ही मार्केट के अंदर कोई एंट्री लेता था, क्योंकि लोग लेते थे इनको ख़त्म करने के लिए कि भैया हम ब्लेड्स बनाएंगे, उनको रेजर बनाने दो, इन्होंने क्या करते थे, या तो उनको बायआउट करते थे कि भैया अपनी पूरी कंपनी हमें बेच डालो, तुमने इनोवेशन कर ली, तुम्हारा इनोवेशन हमें पसंद आ गया, समझ में आ गया, कंपनी हम बायआउट कर रहे हैं। बट अगर सामने वाला बायआउट नहीं करता था तो ये तुरंत उसके ऊपर केस फाइल करते थे। क्यों? इनके पास सारे पेटेंट्स थे, डिज़ाइन प्रोटेक्शन था,
कॉपीराइट था, सारा आईपीआर था, तो आईपीआर ट्रीम इनकी बहुत अच्छी थी, जिसके चक्कर में ये कंटिन्यूसली ब्लू ओशन में रहे, रेड ओशन के अंदर नहीं गए। एक ब्रेक थ्रू ज़ेलेट को यूएस आर्मी से भी मिला, जहां पे इन्होंने 3.5 मिलियन रेजर सप्लाई करे और 32 मिलियन ब्लेड्स को सप्लाई करा वर्ल्ड वॉर वन के अंदर। 1989 में इनकी जो टैगलाइन थी वो थी द बेस्ट अ मैन कैन गेट। 2019 तक 20 साल लगभग इन्होंने टैगलाइन को चलाया, उसके बाद अब फाइनली इन्होंने टैगलाइन को चेंज कर दिया, अब इनकी टैगलाइन हो गई है द बेस्ट मैन कैन बी। फाइनली 2005 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने गिलेट को 57 बिलियन डॉलर में एक्वायर कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये थी ज़ेलेट की केस स्टडी कि कैसे इस ब्रांड की शुरुआत हुई, कैसे इन्होंने मार्केट में हाइट्स को अचीव करा। बाद में एक मार्केट के अंदर ब्रांड और आई थी, डॉलर शेविंग क्लब, इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। ये एक ऐसा स्टार्टअप था जिसके पास पैसा नहीं था, फंडिंग नहीं थी, सिर्फ एक आइडिया था, कंसेप्ट था। इन्होंने एक वीडियो बनाई, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टैक्टिक को यूज़ करा और ज़ेलेट का मार्केट शेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और अल्टीमेटली ज़ेलेट को या तो उनको खरीदने का ऑफर देना पड़ गया या फिर इनके ऊपर केस फाइल करना पड़ गया बचने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं केस स्टडी और लेकर आऊँ डॉलर शेविंग क्लब के ऊपर कि कैसे बिना पैसों के फंडिंग के कौन सी स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क इन्होंने यूज करे कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका यूएस मार्केट में मोनोपोली थी उसको जाके टक्कर दी, उसके मोनोपोली मार्केट को तोड़ा, उसके अंदर घुस गया विदाउट फंडिंग, और कैसे 1 बिलियन डॉलर की कंपनी इतनी जल्दी बन गई, तो कमेंट करो कमेंट सेक्शन के अंदर। डॉलर शेविंग क्लब, वापस बता रहा हूँ, डॉलर शेविंग क्लब अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे और मेरे को काफ़ी सारे लोग दिखेंगे जिनके कमेंट्स हैं, वो चाहते हैं मैं इसके ऊपर केस स्टडी बनाऊं, तो मैं इसके ऊपर केस स्टडी लेकर आऊँगा कि डॉलर शेविंग क्लब ने क्या स्ट्रैटेजीज फ्रेमवर्क KPIs कैसे सेट करे, मार्केटिंग टूल्स को कैसे यूज़ करा बिना फंडिंग के, जबकि मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं इनके पास, कैसे इन्होंने मोनोपोली को ब्रेक करा और कैसे आप मार्केट की मोनोपोली को ब्रेक कर सकते हो, मार्केट में आगे जा सकते हो, लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इन सबको डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब करो, जिससे मैं जैसी ऐसे काम के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन केस स्टडी लेकर आऊँ आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने अपना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।